बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर दो ख्वातीन की मस्जिद की इमारत के सामने नाचने वाली की वीडियो सामने आने के बाद इस मस्जिद में सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वीडियो में दो ख्वातीन घुटने से ऊपर लिबास पहने हुए और कले पेट के साथ मलेशिया के जजीरे बोर्नियो में कायम एक मस्जिद के सामने नाचती हुए देखा जा सकता है। हुकाम इन दोनों ख्वातीन की शनाख्त के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं और कहा गया है कि वो दोनों गैर मुल्की थी और उनका ताल्लुक मशरकी बईद के ममालिक से हैं। मलेशिया की रियासत सबाह में वजारत सियाहत की जानिब से कहा गया कि इस वीडियो से जाहिर होता है कि मुसलमान इबादत गुजारों के तजहीक की गई और मकामी मेहमानदारी का मजाक उड़ाया गया। मस्जिद के चेयरमैन ने कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट को सियाहों को मस्जिद की इमारत तक लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और मजीद कहा कि सियाहों को लाने वाली कंपनियों से भी गुफ्तगू की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकियात ना पेश आए। मलेशिया में गैर मुल्कियों को आमतौर पर मशवरा दिया जाता है कि वो मजहबी मकामात और मसाजिद जाते हुए सादा लिबास पहने। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका नहीं जब मलेशिया की सबा रियासत में ऐसा वाकया पेश आया हो। 2015 में एक मलेशियाई अफसर ने बोर्नियो में आने वाले एक जलजले का मुर्रद इल्ज़ाम वहां के एक मुकद्दस पहाड़ पर बरहना होने वाली गैर मुल्कियों को ठहराया था। वाजी रहे कि जलजले के नतीजे में 16 अफराद हलाक हो गए थे। मलेशिया के अलावा दीगर ममालिक में भी सियाह अक्सर मकामी इंतजामिया के जेर उकाब आते रहे हैं।